हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल डेविल्स गेमिंग गाइस। तो भाई लोग सभी का स्वागत है हमारी एक और नई ओपी वीडियो में। तो यार कैसे हो आप लोग सभी? बहुत बुरे हैं हम लोग, सॉरी। यार कैसे हो आप लोग यार, कमेंट में जरूर से मेरे को बताना। अच्छा भैया, तो तुम्हारा भी पीसी लैग करता है? हाँ। अच्छा, लो एंड पीसी है तुम्हारा? अरे हाँ भाई हाँ। ओके, तो देखो भाई मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, क्योंकि मेरे पास भी लो एंड पीसी है। मतलब मैं भी समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द कि तुम कैसे खेलते हो, तुम किस तरीके से मैनेज करते हो, क्या करते हो। मैं आई कैन फील योर पेन ब्रो। अच्छा, तो यार ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने बनाई है, ताकि जो तुम्हारा दर्द है मैं थोड़ा सा उसको दूर कर सकूं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, है ना। तो यार जो जो अपना भाई लोग यार इस वीडियो पे जो है यार देख के मतलब क्लिक किया इस वीडियो पे, तो यार मेरी भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखना यार। इससे तुम लोग के लिए ही मतलब ये मैंने वीडियो बनाई है, ताकि तुम लोग को जो है एकदम जो तुम लोग अपना गेम जो है इतना स्मूथली खेल पाओ, सबको दिखा पाओ कि यस आई एम अ पीसी प्लेयर, आई एम अ प्रो प्लेयर, आई एम अ पीसी टॉप प्लेयर, ठीक है ना। अभी मजा आएगा ना वीडियो, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे ना लेना, ठीक है ना गाइस। तो भाई लोग यार आज के वीडियो में यार मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सबसे वर्ल्ड नंबर वन बेस्ट इमुलेटर मेमू प्ले के बारे में, और इसके बारे में गाइस इसकी जो सेटिंग रहेगी, क्या सेटिंग रहेगी, कैसे चलता है, कहाँ से डाउनलोड होता है। तो गाइस सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोग को जो है मिल जाएगी। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ओके गाइस, तो यार भाई लोग सबसे पहले तो यार आप लोगों को मैं बता दूं, देखो यार तो मेरे पास भी है लो एंड पीसी, मेरे पास है लैपटॉप गाइस, ठीक है ना। बहुत बंदे जो है लैपटॉप में खेलते हैं, बहुत बंदे जो है पीसी में खेलते हैं, तो यार दोनों के लिए जो है ये इम्यूलेटर सबसे बेस्ट है। अगर किसी पीसी या लैपटॉप में किसी की मतलब कुछ भी में अगर तुम लोग के पास अगर ग्राफिक कार्ड भी नहीं होगा ना, तो ये इतना अच्छा चलेगा गाइस कि आप लोग कहोगे डेविल भाई कितना अच्छा बताए, चुम्मी ले लो आप मेरी तरफ से, है ना ऐसा। तो देखो ये आज की जो है मैं इसी मतलब वीडियो में आप लोग को जो है बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो गाइस यार आप लोग को मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये जो है आप लोग का इम्यूलेटर कैसे जो है आप लोग को मिलेगा, कहाँ से आप लोग को जो है डाउनलोड करना है, ठीक है ना गाइस। तो सिंपल से आप लोग को क्रोम खोल लेना है, क्रोम खोल के गाइस आप लोग को सिंपल से डालना है MUM मेमू प्ले, ठीक है ना गाइस। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये। अरे एक सेकंड गाइस, क्या डल गया ये, एक सेकंड गाइस मेमू, ओके। तो देख सकते हैं गाइस यार यहाँ पर जो है गाइस यार पहले लिंक पर आप लोग क्लिक कर लेना है, यहाँ पर पहले लिंक पर आके जब आप लोग क्लिक करोगे पहली उस पर, तो गाइस यार ये देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड वर्जन 7.6.6, तो गाइस इसको जो आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, और यही जो है आपका मेन जो है डाउनलोड है। तो यार इसकी जो मैं सबसे अच्छी बात, देखो पूरी बात सुन लो यार, थोड़ा सा वीडियो जो हल्का सा लेंदी हो जाएगा बट ये तुम्हारे ही काम आएगा, तो उसको प्लीज़ पूरा सुन लो भाई मेरे, ठीक है ना, प्लीज़, ठीक है ना। सुनो अब देखो कि ये जो इम्यूलेटर है, मैं आप लोग को बता दूँ ये सबसे अलग इम्यूलेटर है, ये इसलिए बनाया गया है, ये इसके अंदर एक एबिलिटी है जो गाइस यार क्या है कि तुम लोग क्या करते हो किसी और इम्यूलेटर को डाउनलोड करोगे तो वो क्या उसका सिर्फ सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, और वो खुद से तुम लोग को सेटिंग जो है करनी पड़ेगी उसके हिसाब से कि तुम लोग का पीसी मतलब किस इस पे जो है मतलब चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब कैसे आप लोग को सेटिंग करना है इसके ऊपर कि अच्छा चले, स्मूथ चले, है ना। तो यार ये जो प्रॉब्लम है गाइस यार इसी ये जो प्रॉब्लम है इस इम्यूलेटर में ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है, जब यार इसको आप लोग डाउनलोड करोगे तो ना ही इसमें सेटअप का डाउनलोड है, ना इसमें आप लोग का एक्स्ट्रा एमबी जाएगी, सीधा आप लोग का पूरा इम्यूलेटर का जो है सेटअप पूरा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो सबसे अच्छी बात जब आप लोग इंस्टॉल करोगे तो इसके अंदर एक फीचर है गाइस, ये आप लोग के लैपटॉप या पीसी या कंप्यूटर जो भी हो आप लोग के पास, ये उसका अच्छे से मतलब अंदर जो उसका आप लोग का प्रोसेसर है, जो मतलब हर जो भी चीज़ है, तो ये उसको अच्छे से एनालाइज करके उसी के अंदर मतलब जो ऑटोमेटिक सेटअप कर लेता है कि हाँ मतलब कि मेरे को जैसे मान के चलो क्या नाम है मेरे पास 10 मान के चलो मेरे अंदर की 10 कैपेसिटी है, ठीक है ना, मेरे 10 कैपेसिटी है, और अगर मैं मतलब कम कैपेसिटी मेरी 10 की कैपेसिटी है ना, नॉर्मल होनी चाहिए 20 कैपेसिटी, और इसकी कैपेसिटी मान के चलो 50 है, ठीक है ना, कि ये 50 ही कैपेसिटी है और ये 50 में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें क्या आप लोग डाउनलोड करोगे तो ये 10 के अंदर ही आप लोग का जो है ऑटोमेटिक, जैसे मेरे अंदर कुछ मैंने मतलब इंस्टॉल करी तो ये ऑटोमेटिक मतलब जैसे इसकी 50 है तो मेरे अंदर 10 है ना, तो मतलब ये ऑटोमेटिक जो आप लोग का मतलब 9 या 8 में ऑटोमेटिक सेटअप हो जाता है गाइस, इसकी वाओ वेरी डेंजरस।
Yes. ये जो है सबसे खास बात यार जो है मेरे को सबसे अच्छी लगी है कि गाइस यार ऑटोमेटिक जो है ये सेटअप आपके पीसी में ऑटोमेटिक कर लेता है ना गाइस। सबसे पहले खासियत इसकी ये रही। और गाइस दूसरी इसकी जो एबिलिटी मैं आप लोग को बताता हूँ, दूसरी जो इसकी सेटिंग्स रहती हैं गाइस यार क्या रहती हैं कैसे रहती हैं यार वो भी सब मैं आप लोग को बताऊंगा। तो देखो यार सिंपल सा आपको यार यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे पहले तो मिनट डाउनलोड करके आप लोग जो भी फेसबुक गेम सब डाउनलोड कर लेना ओके हर एक चीज। और देखो मैं आप लोग को बताऊँ सेटिंग पर आके जब आप लोग इंजन पर आओगे तो इंजन पर देख सकते हैं यार यहाँ पे परफॉर्मेंस और रेंडर मोड और रूट मोड जीपीयू मोड जो है आप लोग गाइस यहाँ पे दिख जाएगा। तो यार आप लोग को अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि यार अब अपन लोग कोर कैसे पता करें कि यार जो ये जो आप लोग सीपीयू देख रहे हो इंजन इसको कोर कहते हैं कि आप लोग का जो सीपीयू है या पीसी है या कंप्यूटर आप लोग की कोर कितनी उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यार वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो गाइस अगर आप लोग के पास विंडो 10 है तो आप लोग यहाँ पे सिंपल सा किसी भी एंगल मतलब यहाँ इतनी जगह में कहीं भी क्लिक करो, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप लोग को देखो यहाँ पर टास्क मैनेजर पर आ जाना है। टास्क मैनेजर पर आकर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस गाइजर यहाँ पर आ जाना परफॉर्मेंस पे और नीचे देख सकते हैं गाइजर यहाँ पर लिखा है कोर्स है ना। यहाँ पर मेरे जो सीपीयू और जो मेरे पीसी का कोर है वो है 4 और लॉजिकल यहाँ पर प्रोसेसर ये भी 4 है। तो गाइज मतलब कि टोटल जो मेरा कोर है अभी समय है जो 4 है। तो गाइज मैंने अपनी जो मतलब सिंपल जो सेटिंग करके रखी है मैंने वो जो सीपीयू की जो कोर्स की सेटिंग होती है वो मैंने 3 करके रखी ठीक है ना गाइज। और मेरा रैम जो है मेरा पीसी का वो भी मैं बता देता हूँ आप लोग को, ये मेरा रैम है 8GB रैम। तो गाइज हो सकता है आप लोग को कहो भरोसा ना हो यार ये भी मेरा मतलब एकदम लो एंड पीसी टाइप काम करता है। देखो गाइज मैं आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ, ये देखो देखो जैसे मैंने कहा सेटिंग खोल ली और मैं आप लोग को दिखा दूँ। देखो डेस्कटॉप है मेरा लैपटॉप है AMD Ryzen 3 मतलब 3300U विद रेडियन वेगा मोबाइल GFX और वो भी इसका मतलब होता है 2GB ठीक है ना गाइज। 2GB जो मेरा मतलब ग्राफिक कार्ड है उसका है 2GB ठीक है ना गाइज। और इंस्टॉल्ड रैम है गाइज देख सकते हैं 8GB रैम है और 512 इसमें जो है SSD है। तो देख सकते हो गाइज यार इतना अच्छा होने के बावजूद भी ये जो हल्का फुल्का जो लैग होता है तो ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। वो इसलिए लैग हो रहा है क्योंकि इसमें मतलब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल करी हैं, बहुत बड़े बड़े गेम है इसमें NFS आउटलेट मतलब काफ़ी 25-30GB के गेम है तो इसीलिए मेरा लैग होता है वो मैं समझता हूँ। लेकिन आप लोग का जो है बिल्कुल लैग नहीं होगा इस सेटिंग के जब आप लोग ये करोगे ठीक है ना। तो देखो आप लोग को कोर पता लग जाएगी, कोर आप लोग को पता करके जैसे आप लोग की 2 कोर हो तो यार यहाँ पर आप लोग को यूज़ करनी है 1 कोर ठीक है ना गाइस, ओनली 1 कोर अगर आप लोग की 2 है। और अगर आप लोग की 3 कोर है तो आप लोग को 2 यूज़ करनी है, मतलब जितनी कोर है उसका आप लोग को 1% कम कर देना आपको मतलब उतनी यूज़ करनी है, जैसे 4 है तो 3 है तो 2 ऐसा ठीक है ना गाइस। और रैम जैसे मेरी 8GB है तो मैंने उसका आधा यूज़ किया है जैसे 4500 ठीक है ना। इससे क्या आपका यूसेज जो है सीपीयू का कम लेता है। और रेंडर मोड ये इसका मतलब गाइस मैं आप लोग को बता दूं, इसका मतलब ये है कि अगर आपके लैपटॉप या पीसी में ग्राफिक कार्ड है तो आप लोग को जो है डायरेक्ट एक्स पे कर लेना है। मेरा तो 2GB ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है अंदर गाइस यार, तो ये जो है ग्राफिक कार्ड के ऊपर डिपेंड करेगा आप लोग के कैसे और अच्छा स्मूथ चलेगा नहीं चलेगा। और अगर ग्राफिक कार्ड नहीं तो आप लोग को सिंपल सा OpenGL पर टिक करके आप लोग को ओके कर लेना है और रीस्टार्ट कर लेना है। और आप लोग को नीचे यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करनी है जैसे है वैसे रहने दो। और यहाँ पर गाइस मैं आप लोग को बता दूँ 1200 और यहाँ पर गाइस जो अपना रिजोल्यूशन का होता है यार ये भी आप लोग को 1280 एंड 720p जो है आप लोग को कर लेना है। फ्रेम रेट आप लोग को जो है 60 कर लेनी है ना गाइस। और ये सब आप लोग को एज इट इज जो जैसे मैं आप लोग को सेटिंग दिखा रहा हूँ वैसे आप लोग करनी है, स्टोरेज वगैरह ये सब तो गाइस यार ऐसी चीज़ें। और यार देखो जब ये सेटिंग कर लेना तब आप लोग को आनी है गेम की सेटिंग पर ठीक है ना। तो गेम की सेटिंग पर क्लिक करते ही आप लोग को इधर पर आ जाना कंट्रोल्स पर, कंट्रोल्स को देख लो मेरी ऐसे सेटिंग है और ऑटो पिकअप की डिस्प्ले की कुछ ऐसी है। तो गाइस मैं दिखा दूँ आप लोग को स्मूथ पर मैं चलाता हूँ और हाई FPS मतलब कि हाई आप लोग को नॉर्मल नहीं करना है, इसको हाई पर रखकर गाइस आप लोग को जो है ओके कर देना है स्मूथ पर खेलना ठीक है ना। तो यार इससे जो आप लोग का जो फिर उसके बाद जो आप लोग रीस्टार्ट करके खेलोगे इसके बाद जो आप लोग को सिंपल सा जो है कंप्यूटर को आपने रीस्टार्ट करना है ठीक है ना, उसके बाद जब आप लोग खेलोगे तो आप लोग को दिखेगा मैजिक, इट्स मैजिक, क्या बात है, कहोगे डेविल भाई ये क्या कर दिया, मतलब तुम तो कमाल ही कर दिए, मतलब अनबिलीवेबल है ना गाइस। तो वेरी डेंजरस आप लोग का कुछ ऐसा रिएक्शन रहेगा है ना गाइस। तो यार ये जो है आज की वीडियो में मैंने यही बताया कि सबसे अच्छा सबसे बेस्ट सबसे अच्छा मतलब वर्ल्ड मोस्ट मतलब इसकी तारीफ करना मतलब क्या बात है, मतलब नो वर्ड्स भाई, इतना अच्छा है ये मेरे को, इतना अच्छा लगा मेरे को, इतने स्मूथ चल रहा था भाई, मैं भी बहुत परेशान था कि चलता नहीं ब्लू स्टैक में ये, पहले मैं ब्लू स्टैक से खेलता लेकिन अब वो भी यार भाई ऐसे ही होने लगा है बेकार, वो भी बेकार हो गया है ना गाइस। तो देखो यार आज की वीडियो में इतना ही था,
है ना गाइस। तो देखो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोग को लगा हो कि हाँ आज मैंने कुछ सही सीखा या सही कुछ हुआ मेरे लैपटॉप के साथ, तो यार जरूर से यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है ना। और यार भाई और अगर आप लोग की कुछ प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना। और अगर और भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो यार इंस्टाग्राम के देखो गाइस, यार मैंने ये देखी गाइस, यार इंस्टाग्राम का मेरा जो है ये लिंक है, मतलब ये नाम है devilman6797, ये जो है गाइस यार मेरा इंस्टाग्राम है, तो जरूर से यार इसको जो है जाके फॉलो करके यार मेरे को DM करो अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो जरूर से मेरे को बताना। तो गाइस यार आप लोग से मिलते हैं हम लोग यार नेक्स्ट शूट में गाइस, तब तक के लिए यार बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।